So every year, soon as we enter, this these months of September, October, November, जैसे आपका कैट पास आने लगता है, you start getting these videos, on YouTube on like something on the lines of कि score 99th percentile in 60 days. I think 60, 70 से start होता है, उसके बाद it goes down to 50 days, 40 days, 30 days, 20 days, and so on and so forth, right? So on one hand you have the videos जो कि ये क्लेम कर रहे होते कि नहीं यार ये इतना परसेंटेज आप इतने दिन में ला सकते हैं, हो सकता है ये पॉसिबल है. एंड ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ अदर वीडियोज विच आर फ्रॉम पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम फार इज दिस आर्ग्यूमेंट इज कंसर्न कि नहीं यार डोंट फॉल फॉर देम, ये आपके लिए ये सब गलत चीज़ बता रहे हैं, ये सब अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, कोर्स बेचने के लिए आपके साथ ये सब कर रहे हैं, 10-15 दिन में चीज़ें नहीं हो जाती हैं, राइट? सो नाउ ये जो ये दो ओपिनियंस की जिद्दोजहद में जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो मेन द मेन विक्टिम हियर हैपेंस टू बी द स्टूडेंट. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे बेचारे बीच में आके यहाँ पे फंस जाते हैं कि यार हम लोग इधर की सुने कि अच्छा नहीं ठीक है अभी भी हो जाएगा तो चलो काम करते रहना चाहिए, और शुड आई ये कोर्स खरीद लिया जाए या फिर ये कर लिया जाए, और शुड बी लाइक लिसन टू द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि नहीं यार इतने दिन में नहीं होगा, मे बी आई शुड जस्ट गिव अप एंड स्टफ, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, और मे बी समथिंग एल्स, समथिंग ऑन दोज लाइंस. सो आई वांटेड टू क्लेरिफाई दिस दिस होल कनंड्रम ऑफ कि यार ये इतने दिन में इतने परसेंटाइल लाना पॉसिबल है भी कि नहीं, और अगर है तो किसके लिए कितने दिन में पॉसिबल है ये चीजें, राइट? क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी समझ पाए कि नहीं एक्चुअली कितना टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आपका स्किल का लेवल क्या है, आपका एक्सपोजर क्या है उसके उसके मुताबिक, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू इन दिस वीडियो हियर, एंड विल स्टार्ट विद अ स्टोरी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. विल यूज एन एनालॉजी हियर एंड विल स्टार्ट विद अ स्टोरी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यार ये कैसे सोचना है इस सिचुएशन में, इसको आंसर कैसे करना है कि आपके लिए 99th percentile कितने दिन में लाना पॉसिबल हो सकता है. ओके, सो द स्टोरी गोज समथिंग लाइक दिस. In some far off kingdom, far far away, there used to be a huge mountain, right? जो कि पूरी दुनिया में हर जगह लोग उसको जानते थे कि यार बहुत ही बड़ा पहाड़ है, एंड बिकॉज ऑफ द डेंजर्स इनहेरेंट इन स्केलिंग और क्लाइंबिंग द माउंटेन, द पीपल देयर यूज्ड टू ओपन द माउंटेन फॉर क्लाइंबिंग और स्केलिंग ओनली वंस ईयर, कि साल में यार बस एक ही बार खुलेगा, उसी टाइम पे जिसको चढ़ना है, जो करना है, अपने एडवेंचर्स करने कर लो. ओके, एंड सो एंड इट वॉज सेड दैट जो लोग इसको सक्सेसफुली क्लाइंब चढ़ लेंगे, जो इसको उसके आसपास काफी घने जंगल भी थे, राइट? सो देयर वर मेनी डेंजर्स इन्वॉल्व, तो ऑल दोज हु आर एबल टू सक्सेसफुली स्केल द माउंटेन, गो थ्रू द फॉरेस्ट एंड स्केल द माउंटेन, दे वुड गेट ऑल द ग्लोरी एंड फेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? सो पीपल हु यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड कि नहीं यार साल में एक बार जब भी खुलेगा तो जाके इस पे चढ़ना है, ठीक है? नाउ तो ऐसे ही एक बार देयर वर थ्री फ्रेंड्स हु डिसाइडेड कि नहीं ठीक है चलो हम भी जाते हैं, हम भी जाके पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे. लेट्स कॉल देम मिस्टर रेड, मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर ब्लू. ओके, एंड बट बिकॉज ऑफ द डेंजर्स इनहेरेंट इन क्लाइंबिंग द माउंटेन, इनको लगा कि नहीं यार एक बार किसी एक्सपीरियंस्ड वेटरन से, राइट, जिसको कुछ एक्सपीरियंस हो पहाड़ चढ़ने में, उनसे कुछ सलाह ले ली जाए. लेट्स गो टॉक टू समवन हु कैन जज आवर एबिलिटीज कि हाँ नहीं यार आपको ये करना जरूरी है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एटसेट्रा. Right, so and in the region where in the foothills of the same mountain, they used to live a veteran climber, right? So जो अपने पुराने दिनों में काफी बार पहाड़ों पे चढ़ चुके थे, इस पहाड़ पे भी काफी बार जा चुके थे, and used to live in the foothills of the mountain, and he was known for his ability to quickly judge कि whether एक कोई माउंटेनियर जो है वो इस पहाड़ पे चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा, और अगर चढ़ पाएगा भी तो उसको कितने दिन की ट्रेनिंग की जरूरत है, कि भाई उसकी सिचुएशन तैयारी कैसी है, राइट? सो ही वॉज नोन फॉर दिस जजमेंट एंड एबिलिटी टू जज दैट वेरी एक्यूरेटली. सो तीनों दोस्तों ने बोला कि ठीक है चलो यार उनसे बात करेंगे, विल हैव अ कॉन्वर्जेशन विद दैट पर्सन, विद दैट वेटरन, एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि ओके आर वी रेडी फॉर इट और नॉट, एंड इफ नॉट व्हाट शुड वी डू. दे वेंट टू द वेटरन, वेटरन वेलकम देम, एंड देन ही हैड अ सेपरेट कॉन्वर्जेशन, अ सेपरेट लॉन्ग कॉन्वर्जेशन विद ईच वन ऑफ दीज थ्री, एंड देन फाइनली गेव हिज जजमेंट. ओके, हिज जजमेंट वॉज गिवन एज फॉलोज. So to Mr. Blue, the veteran said कि okay, sir, you need to train just for 7 days and उसके बाद you'll be good to go for the climb. You can, you'll be in a reasonably good position to go and scale the mountain. Go and try and scale the mountain.
सो मिस्टर ब्लू यू नो वॉज प्लीज एंड सेड ओके ठीक है थैंक्स। एंड उसके बाद नेक्स्ट बारी आई मिस्टर गिन की ग्रीन की। टू हिम द वेटरन सेड दैट इन योर केस यू जस्ट नीड 10 days ऑफ प्रिपरेशन एंड आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो बी गुड टू नो यू कैन ऑल्सो गो एंड स्किल द माउंटेन। पहाड़ भी आप भी पहाड़ की चढ़ाई की कोशिश कर सकते हैं। फाइनली इट वॉज मिस्टर रेड्स टर्न एंड टू मिस्टर रेड द वेटरन सेड कि यू मे नीड टू ट्रेन फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। आपको शायद कुछ महीनों से ज़्यादा समय लग सकता है। नाउ ऑल द थ्री फ्रेंड्स दे ऑब्वियसली टॉक अमॉन्ग देमसेल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे वो काइंड ऑफ कन्फ्यूज कि यार ये तीनों को ऐसे अलग अलग जजमेंट क्यों दिए गए हैं। ऐसे तो हमारे कॉन्वर्जेशन में ऐसे कोई स्पेसिफिक सवाल तो पूछे नहीं गए थे। वी जस्ट हैड लॉन्ग कॉन्वर्जेशन एंड लाइक वॉट इज द बेसिस ऑफ दीज जजमेंट्स। कैसे जांचा गया जांचा वेटर ने हमें कि यार हम लोग इसको एक को 7 दिन लगेंगे, एक को 10 दिन लगेंगे, एक को कुछ महीने लगेंगे। सो दे डिसाइडेड लेट्स गो एंड आस्क। सो दे वेंट टू द वेटर एंड देन दे सेड दैट डियर वेटरन कैन यू ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ डिड यू जज आर फिट फॉर द क्लाइम। द वेटरन सेड सर्टनली व्हाई नॉट आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। सो देर आर बेसिकली 5 पैरामीटर्स जिनके ऊपर मैंने आपको जज किया। आपकी जो लंबी कॉन्वर्जेशन की उन कॉन्वर्जेशन में से मैंने कुछ 5 पैरामीटर्स में से हर एक को आपको जज किया और उसके हिसाब से मैंने आपको अपना जजमेंट सुनाया है और वो इस प्रकार है। He said that the first fact that I judged you on was while I was having a conversation with each one of you, I was basically trying to understand. सबसे पहला फैक्टर जो मैं जानने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि यार ये has he walked enough? क्या ये अपनी जीवन में अभी तक पहले काफी चल चुका है कि नहीं चल चुका है? राइट बिकॉज द क्लाइंबिंग द माउंटेन और स्केलिंग द माउंटेन पूरे जंगलों से होते हुए जाना पड़ेगा, काफी लंबा रास्ता होगा। एंड यू नीड समन हु लाइक्स टू वॉक, हु डज नॉट हैव नॉट जस्ट समन हु हैज वॉक्ड इनफ बट हु ऑल्सो नीड समन हु लाइक्स टू वॉक एंड डजंट गेट टायर्ड इजली राइट ऑफ वॉकिंग। तो ये मेरा पहला फैक्टर था आपको जज करने का। दैट्स व्हाट द वेटरन सेड। सेड देन द सेकंड फैक्टर आई जज्ड यू गाइस ऑन वाज दैट कैन ही रन इफ रिक्वायर्ड। राइट कि अगर कभी जरूरत पड़ी, मान लो कभी लैंडस्लाइड आ गया, कभी कोई जंगली जानवर सामने आ गया और मे बी लाइक सम अदर सॉर्ट ऑफ एक्सीजेंसी इन द फॉरेस्ट और एट द माउंटेन्स, विल दिस पर्सन बी एबल टू रन इफ रिक्वायर्ड? क्या वो दौड़ पाएगा, क्या वो सक्षम है इस चीज के लिए? दैट वाज द सेकंड फैक्टर आई जज यू गाइस ऑन। दैट्स व्हाट द वेटरन सेड। थर्ड फैक्टर आई सेड दैट क्योंकि काफी बार यार जंगलों में एंड ये पहाड़ों में जाते समय आपके सामने नदी आएंगी, तेज बहाव वाली नदी आएंगी, यू विल हैव टू वेट थ्रू द रिवर्स, मे बी इन सम केसेस स्विम और एंड समटाइम्स देयर माइट बी वेरी स्टीप स्लोप्स टू क्लाइंब। राइट उसमें ऑलमोस्ट क्लाइंब करने जैसा आपका हो जाएगा, काफी स्टीप होगा। सो क्या इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऐसी स्किल्स हैं जिनके द्वारा ये ऐसी कठिनाइयों को के आगे जा सकता है? कैन दैट ही कैन बी एबल टू कॉन्कर सच सच सिचुएशंस? राइट डज ही हैव सम सच स्पेशलाइज्ड स्किल्स? दैट द थर्ड पैरामीटर इन ऑन विच द वेटरन सेड ही जज दीज थ्री पीपल। फोर्थ पैरामीटर ही सेड दैट कि ओके डज ही नो वेन टू स्टे एंड वेन टू लीव एंड विच बेसिकली मेंट दैट डज ही नो दैट सी टाइमिंग योर जर्नी वेन यू आर ट्रैकिंग और वेन यू आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स लाइक एट वॉट टाइम डू यू स्टार्ट योर ट्रैक इन द अर्ली इन द मॉर्निंग यू वॉन्ट टू ट्रैक इन द अर्ली पार्ट ऑफ द डे वेन देर इज डे लाइट राइट सो टाइमिंग योर जर्नी इज ऑल्सो क्रूशियल फैक्टर एंड यू नीड टू नो कि हाँ कब हमें शेल्टर बनाना है, कब हमें चलना रेस्ट करना है, कब हमें चलना जरूरी है। सो राइट सो कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, ये पता होना काफी मायने रखता है। एंड दैट्स व्हाट ही ट्राई दैट्स व्हाट ही सेड ही वाज द फोर्थ फैक्टर दैट ही ट्राई टू जज कि यार ये जो बंदा है क्या इसको पता है कि कब चलना चाहिए, कब रुकना चाहिए, क्या इसकी प्लानिंग स्किल्स, क्या इसकी मैनेजमेंट की स्किल्स जो है कि सिचुएशन को मैनेज करने वाली स्किल्स अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन क्या वो अच्छी हैं कि नहीं। ठीक है फाइनली द लास्ट फैक्टर दैट इज जज्ड वाज दैट डज दिस पर्सन हु वांट्स टू क्लाइंब द माउंटेन डज ही हैव काम नर्व्स, इज ही समवन हु इज कंपोज्ड और इज ही समवन जिसके ओके ऊपर अगर प्रेशर आएगा तो यार फिर बाद में ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। राइट सो इसे दैट कि हाँ यार ये 5 पैरामीटर्स थे जिसपे मैंने आपको जज किया और उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि आपके आपके मैंने आपको जजमेंट दिए हुए। देन टू मिस्टर ब्लू वी एक्सप्लेन दैट कि यार आपके केस में सिर्फ लास्ट वाले 2 फैक्टर्स का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा यू नो दैट टाइमिंग एंड मैनेजिंग योर जर्नी वन पॉइंट, अनदर पॉइंट वॉज हाउ टू कीप योर नर्व्स काम। राइट सो एंड दोज आर द थिंग्स दैट कुड बी लर्न इन जस्ट 7 डेज, वो आज के मैंने आपको 7 दिन का बताया। टू मिस्टर ग्रीन ही सेड दैट कि इन योर केस यू हैव वॉक्ड इनफ एंड यू आर एबल टू कीप योर काम एंड यू ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज योर जर्नी एटसेट्रा, बट इन योर केस थोड़ी बहुत स्पेशलाइज स्किल्स आपको सीखना जरूरी है और थोड़ा बहुत रनिंग और ये सब की आपको चीजें सिखा दी जाए तो एंड वो भी आपका 10 दिन में हो सकता है। दैट्स वाई फॉर यू आई सेड कि 10
10 days काफी रहेंगे। फॉर द थर्ड पर्सन मिस्टर रेड, आपके लिए हमने बोला कि आपको कुछ महीनों से ज्यादा लग सकते हैं, बिकॉज इन योर केस द वेटरन सेड दैट आई फाउंड दैट यू हैव नॉट वॉक्ड इनफ, यू गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग ईजिली, एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग अ माउंटेन और क्लाइंबिंग अ माउंटेन, लाइक वॉकिंग इज द मोस्ट बेसिक स्किल। इफ यू कांट वॉक तो फिर बाकी चीजें तो भले ही आपको आती हो, बाकी चीजें फिर भी सही हो, फिर भी आप 7-8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में नहीं हो पाएंगी चीजें, राइट? यू नीड टू हैव दैट बेसिक स्किल, एंड रनिंग ये तो का तो सवाल ही नहीं उठता अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे। सो दैट वॉज इज तो ये पूरी चीजें उन्होंने समझाई। नाउ इन सब चीजों का व्हाट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस एनोलॉजी विथ योर कैट वीआरसी प्रिपरेशन और स्पेशली स्कोरिंग 99+ परसेंटाइल इन वीआरसी? ओके, सो लेट्स लुक एट दैट। सो द फर्स्ट करस्पॉन्डिंग पैरामीटर, राइट, जैसे आपके 5 पैरामीटर्स थे यहाँ पे क्लाइंब के लिए, स्केलिंग के लिए जो वेटरन ने वहाँ पे चेक किए, वैसे अगर आपको खुद चेक करना है कि इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक वी आर सी विद अ गुड परसेंटाइल, इनफैक्ट अ ग्रेट परसेंटाइल, वट आर द 5 पैरामीटर्स दैट यू नीड टू चेक योर सेल्फ ऑन? ओके, एंड एंड आई कैन एश्योर यू दैट अगर आप ये 5 चीज़ें इंश्योर कर देते हैं, देन देर इज नो वे दैट यू कैन नॉट स्कोर अ गुड परसेंटाइल इन वी आर सी। ओके, द फर्स्ट करस्पॉन्डिंग पैरामीटर इज हैव यू रेड इनफ, राइट? सो वहाँ पे था हैव यू वॉक्ड इनफ, हैज द पर्सन वॉक्ड इनफ। यहाँ पे आपके लिए होगा कि आपने क्या आपका एक क्या आपकी रीडिंग स्किल्स एक रीजनेबल लेवल पे है कि नहीं। ओके, एंड आप ये चीज समझिएगा कि योर रीडिंग स्किल्स दिस डजंट मीन दैट यू हैव टू बी एन इंग्लिश मेजर और समथिंग, राइट? लाइक हैव यू हैड सब्सटैंशियल रीजनेबली गुड एक्सपोजर विद द इंग्लिश लैंग्वेज? इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा वोकैबुलरी याद करके रख लिया है कि कुछ भी पूछ लो बता देंगे, और मे बी लेट्स से आपने कुछ 50-100 किताबें पढ़ रखी है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप लाइक आर यू केपेबल ऑफ रीडिंग अ फ्यू पैराग्राफ्स एंड मेकिंग सेंस ऑफ इट टू अ रीजनेबली गुड लेवल, राइट? क्या आप वो थोड़ा बहुत अच्छे एक रीजनेबल लेवल पे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, दैट्स द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपका होता है कि अगर जरूरत पड़ी कभी तो क्या आप कैन यू रीड एट अ गुड पेस, क्या आप अच्छी स्पीड पे रीड कर सकते हैं, क्या आप अच्छी स्पीड पे कॉन्टेंट ग्रास्प कर सकते हैं कुछ गिवन पैराग्राफ्स का और नॉट, राइट? दैट करस्पॉन्ड्स विद द क्वेश्चन दैट द वेटरन आस्क, कैन ही रन इफ रिक्वायर्ड? तो कर जब भी आपको, बिकॉज कैट में आपको कम समय में काफी सारा कॉन्टेंट ग्रास्प करना है उस आरसी में से, उसके बाद उसके क्वेश्चन को आंसर करना है, राइट? सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई दैट्स द सेकंड फैक्टर। इफ इज आर यू समवन हु इज गुड एट ग्रास्पिंग कॉन्टेंट क्विकली फ्रॉम द आरसीज, ओके, आरसीज एंड द पैरा जिम्बल्स या फिर पैरा समरीज, जो भी आप जहाँ भी आपके पैराग्राफ्स आ रहे हैं आपको बेसिकली रीड तो करना ही रहेगा। थर्ड फैक्टर, आर यू ऑल्सो इक्विप्ड विद सम यूजफुल आर सी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स, राइट? सी गाइस, व्हेन इट कम्स टू लेट्स से सॉल्विंग एन आर सी क्वेश्चन, एक तो आपका जनरल तरीका है कि आप क्वेश्चन रीड किया, उसमें पूछ देखा क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को एक बार रेफर किया और बाद में क्वेश्चन ऑप्शन को देख के बता रहा हूँ। ये तो एक बहुत ही जेनरिक अनडिफाइंड तरीका है, थोड़ा सा वेग तरीका है। इसके बहुत ही स्पेसिफिक और डिफाइंड तरीके होते हैं, ओके? लाइक हाउ डू यू एलिमिनेट एन ऑप, एवरीवन सेज दैट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस इज अ की, बट हाउ डू यू यू नो एम्बाइब दिस प्रैक्टिस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑप्शंस सच दैट आपको पता है कि कब कौन सा ऑप्शन किस हद तक गलत हो चुका है, राइट? सो सी ऑफन टाइम्स यू कम अक्रॉस ऑप्शंस इन आरसी जहां पे मल्टीपल ऑप्शन सही लग रहे हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, वहां पे आप रिलेटिवली कैसे बता पाए कि ये ऑप्शन ज्यादा गलत है या ज्यादा सही है? ये स्किल मैटर करती है। इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स या कोई टूल्स हैं जो हम लोग ला सकते हैं? ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स या टूल्स आपके पास है कि नहीं, मेथड्स आपके पास है कि नहीं, जिससे कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं? सो दैट्स द थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर विद इन केस ऑफ आरसी वुड बी कि क्या आप व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द सेक्शन, द वीआरसी सेक्शन, डू यू हैव द एबिलिटी टू फिगर आउट व्हेन टू स्टे ऑन अ क्वेश्चन एंड व्हेन टू लीव अ क्वेश्चन, राइट? सो दैट करस्पॉन्डेड विद केस ऑफ द वेटरन एंड द माउंटेन क्लाइंबिंग में आपका वो था कि अपनी जर्नी को मैनेज कर पाना कि कब चलना है कब रुकना है, वही सेम चीज यहाँ पे है कि आर यू समवन हु रियलाइजेस कि नहीं अब ये क्वेश्चन में समय जाया करना ठीक नहीं रहेगा, राइट? और एंड यू आर एबल टू मूव ऑन टू द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, और आर यू समवन हु आर एबल टू सिलेक्ट, हु इज एबल टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली? नोट, आई एम नॉट सीइंग सिलेक्ट आरसीज, आरसीज तो आपको ऑलमोस्ट सारे देखने पड़ेंगे, सिलेक्ट क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, ओके? सो दैट्स द फोर्थ फैक्टर, लाइक पेपर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज द फोर्थ फैक्टर। आखिरी फैक्टर आपका ये आता है, and also it's the last factor we are discussing but definitely not the least, that can you keep calm in a timed environment? जब वो टाइमर टिक 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 करके चल रहा है तो क्या आप शांत रह के अपना ध्यान अपने पेपर में रख सकते हैं कि नहीं? ओके, सो दैट्स द फिफ्थ फैक्टर, लाइक कैन यू कीप योर काम, कैन यू कीप कंपोज, कैन यू बी इक्वानिमस? ओके, सो दीज विल बी द 5 corresponding पैरामीटर्स और फैक्टर्स दैट यू कैन जज योर सेल्फ ऑन टू फिगर आउट कि क्या आपका स्कोर, आप अगर आपने ये 5 चीजें सही कर दी तो दिस नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 99 परसेंटाइल
In fact, way better percentile than this in VRC. So far as the question of the number of days required to get to a position जहाँ पे आपने ये पांचों factors का ध्यान रख लिया हो, I'll take you through that as well. So far as reasonable reading skills are concerned, कि are you reasonably good at comprehending content after you read a paragraph? ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखा है, ये बहुत ही extreme, ये देखिए less than है, like maximum, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट केसेस में जहाँ पे एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा कम रहा है, और स्टूडेंट जिनको हु हैव अ स्पेशल फियर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ पे मैक्सिमम केस में ही जा सकता है. अदरवाइज ऑन एन एवरेज, इफ यू इवन इफ यू हैव बीन फ्रॉम अ कम फ्रॉम अ यू कम फ्रॉम अ वर्नाकुलर बैकग्राउंड, लाइक स्कूलिंग में ऐसा कुछ, उसके उसके बाद भी इफ यू आर एबल टू रीड अ फ्यू पैराग्राफ्स एंड ग्रास्प एटलीस्ट 70% ऑफ इट प्रॉपरली, आई वुड से दैट यू आर रीजनेबली गुड व्हेन इट कम्स टू हैविंग सम रीडिंग एक्सपोजर. ऑल्सो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, बट दैट विल नॉट नेसेसरली बी अ बॉटलनेक फॉर यू. वो चीज़ आपको पीछे खींच के रखेंगे, मैं ऐसा नहीं है, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट वन. सेकेंड, मोस्ट ऑफ यू गैस फॉर एग्जाम्पल वो वॉचिंग दिस वीडियो, ज्यादातर लोग के लिए फर्स्ट वाला फैक्टर अड़चन नहीं होगी. ये बहुत ही बड़ा एक मिथ है कि नहीं, आपको बहुत सारी वोकैबुलरी आनी चाहिए, या फिर आपने बहुत सारी, एज आई सेड ऑलरेडी, राइट, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, कि इतनी सारी नॉवल्स आपने पढ़ी होनी चाहिए तो ही होगा, ऐसा नहीं है. जस्ट नीड टू हैव सम रीजनेबली गुड ग्रास्प ऑन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो ठीक है, आई होप वो क्लियर हुआ है. दूसरा, सेकेंड पॉइंट, जहाँ तक पेस में जल्दी तेज रीड करने की बात होती है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स में ये दिक्कतें आती हैं उनको, बिकॉज नॉट ऑल स्टूडेंट्स, और एटलीस्ट नॉट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू रीडिंग एट अ गुड पेस. ओके, और एटलीस्ट मतलब बहुत सारे तो अच्छे से पेस पे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ऐसे केसेस में देर आर वेरी सम वेरी सिंपल टेक्निक्स एंड मेथड्स विच कैन बी शेयर्ड एंड विच विच वी कैन विच वन कैन अडॉप्ट एंड प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव दिस इन जस्ट अ मैटर ऑफ 3 to 10 days. 3 से 10 दिन से ज्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा, आपको शॉर्ट टर्म में भी कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में तो और भी ज्यादा बेटर हो सकता है, राइट? सो दैट्स द सेकंड. थर्ड, तीसरा जो आपका है आरसी सॉल्विंग स्किल्स की जहाँ तक बात है, यहाँ पे मैं इसको डेज में काउंट नहीं करता. इसमें आपको जो भी टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं क्वेश्चंस को पढ़ के, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाले, जज करने वाले, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कैसे देखना है, किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, दीज फ्रेमवर्क्स, इफ यू आर अटेंटिव इनफ, इफ यू आर फोकस्ड इनफ, यू कैन लर्न दीज इन जस्ट अ मैटर ऑफ नॉट डेज, 5 to 20 RCs. अगर 5 से 20 RCs आप प्रॉपर ट्रेन एनवायरमेंट में सॉल्व करोगे, जो सही से चीज कोई बता रहा है उसके साथ, उतने में ये काफी होता है सीखना. ओके, नेक्स्ट, टू बी द एबिलिटी टू पिक और लीव क्वेश्चंस एप्टली, राइट, पेपर मैनेजमेंट स्किल्स, ये चीज भी आप डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, ये आपका 1 से लेके 15 दिन के अंदर मैनेज हो सकता है, राइट? सो फॉर समवन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला जा रहा है, क्या करना है, जितने जल्दी अडेप्ट कर पा रहा है, उसके लिए ये 1-2 दिन की बात है. और अगर किसी को थोड़ा सा टाइम लग रहा है हल्का अडेप्ट करने में, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन इसमें लगते हैं. फाइनली द लास्ट फैक्टर, कीपिंग काम. अगेन, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ, देर बी वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, बट इट इज स्टिल जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 15 days. इफ यू आर एबल टू अंडरटेक सर्टन प्रैक्टिसेस, कुछ कुछ चीजें आप हैं जो अगर आप करते हैं सॉल्व करते समय जो बताई जाए, देन ये चीजें भी आप ये 3 से 4 दिन में यू कैन गेट टू अ पॉइंट विद यू एबल टू कीप योर काम, राइट? ये सारे फैक्टर्स आपके जो सवाल मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार सर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, उनमें से निकल के आया, और उनके जो सोल्यूशंस बने हैं वो भी सोल्यूशंस उनमें से ही बने जो उनके सवालों का जो जवाब दिया है मैंने, राइट? सो दीज आर लाइक दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव हैंडल. एनीहाउ, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड विद, कि पूरी जो पूरा डिस्कशन चल रहा होता है आपका नेट पे, कि नहीं 99% इन 10 days, एंड देन देयर इज समथिंग लाइक कि यार नहीं हो सकता वैसे. सी, द आंसर इज दैट इट डिपेंड्स. And as you learn once you get into B school, that most of the answers start with it depends. कि यार it depends on your situation, कि आप कहाँ पे हैं, कि आपका exposure language के साथ कितना रह चुका है, ये पांचों factors में से आपके कौन से factors आपके आपके साथ हैं, कौन से factors ऐसे हैं जिन पे आपको काम करना है, right? So now, so this value of X is going to vary for all of you. very quickly I'll take some use cases, कि typical cases क्या होते हैं students के, और ऐसे case में कितना time लगता है, कितने time में आप इस 99% के बेंचमार्क को आप क्रॉस कर सकते हैं. सो फार एज द सॉल्यूशंस, द स्पेसिफिक सॉल्यूशंस की यार हर एक फैक्टर को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, बिकॉज बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा. आई विल मेक मोर वीडियोस
टू हेल्प यू एड्रेस ईच ऑफ दीज इन आगे भी वीडियोज आपके आगे होने चाहिए. सो या ओके सो लेट्स से यू आर समवन. सो पहला यूज केस लेते हैं, लेट्स से मिस्टर ब्लू यू आर समवन हु इज वेल रेड इनफ, जिसने जिसका एक रीजनेबल अच्छा ग्रास्प है कॉम्प्रिहेंशन पे, जो तेज रीड कर रहा हूँ तो तेज रीड करके भी कॉन्टेंट ग्रास्प कर पा रहा है आरसीज में से, एंड यू आर ऑल्सो इक्विप्ड विथ योर विथ सम गुड आरसी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स. मतलब यू आर एबल टू हैंडल क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता है. द ओनली केस प्रॉब्लम दैट यू फेसिंग ओनली प्रॉब्लम दैट यू फेसिंग आर विद रिस्पेक्ट टू पेपर मैनेजमेंट, कि यार कौन सा क्वेश्चन उठाया जाए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा जाए, कौन से टाइप के आर सीज या किस टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं आर सीज में से, विच आर द टाइप ऑफ पैराजिबल्स टू टारगेट, विच आर द टाइप ऑफ पैरा समरीज दैट यू शुड डेफिनेटली गेट राइट राइट. सो शुड यू टेक गो फॉर वी ए फर्स्ट, शुड यू गो फॉर आर सीज फर्स्ट, यहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करें, और मे बी आपको बस टाइमर की वजह से आपका काफी सारा प्रेशर में आपकी चीजें बिगड़ जाती हैं, अदरवाइज After the test, when you solve it, you get it right, right? So ये जो scenarios हैं, ये सारी चीजें ना, ये दो चीजें आप सिर्फ, ये अगर सिर्फ आपका यही problem है, it is very possible for you to get a 99% within 10 days, okay? उससे कम भी हो सकता है, ये तो मैंने maximum ज़्यादा ज़्यादा की तरफ बता रहा हूँ, on an average बता रहा हूँ, ठीक है? Second use case, let's say you're someone जिसका timer से डर नहीं लग रहा है, and आपको questions pick करने, leave करने वो भी आते हैं, and you are reasonably well read, आपने आपने reading comprehension आपका अच्छा है, बस आपको तेज रीड करने में दिक्कत हो रही है, एंड यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करें, लास्ट दो ऑप्शंस में फंस जाते हैं, हमेशा गलत वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, ये जो इश्यूज आते हैं राइट, बस वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है. दीज आर ऑल्सो यू नो इफ यू नो द राइट, इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ सम राइट टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, तो ये चीज आप सिर्फ 5 से 20 आरसी सॉल्व करके ट्रेन एनवायरमेंट में करके आप इसको सुधार सकते हो. 5 से 20 आरसी डजंट हैव टू बी 20 डेज, दिस कैन बी डन इन 5 to 6 डेज ओके. एंड जहाँ तक पेज पे तेज रीड करने की बात है, इसमें भी आपको 7 to 10 डेज या 3 to 7 डेज डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल यू आर एबल टू अडैप्ट. एंड अगेन देर आर वेरी स्पेसिफाइड टेक्निक्स एंड मेथड्स दैट कैन बी यूज हियर टू रिजॉल्व दिस. एंड अगेन फॉर यू ऑल्सो इट शुड बी पॉसिबल फॉर यू टू गेट टू द क्रॉस द 99% बेंच मार्क इन लेट से ऑन एन एवरेज 12 to 14 डेज. इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बाकी फैक्टर्स आपके लाइन में हैं, देखिए दीज आर ऑल कंडीशनल थिंग्स ओके. सो डोंट टेक एनी ऑफ द आर्गुमेंट्स दैट आर बीइंग प्रेजेंटेड हियर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसी चीजें बताई जा रही है उसको वैसे समझिएगा. फाइनली इफ यू आर समवन, अब देखिए ये केस आया, अगर यहाँ पे इफ आपके आरसी के क्वेश्चन आप देख ले रहे हैं, आप पेपर मैनेजमेंट ठीक कर ले रहे हैं, टाइमर से भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है, बट इफ यू नॉट, अगर आपका रीजनेबली गुड ग्रास्प भी नहीं है कॉन्टेंट पे, एंड दीज ये बहुत ही कम केसेस होते हैं बाय द वे. सो डोंट अभी यहाँ पे आधे स्टूडेंट्स पता नहीं उनका ग्रास्प होगा उसके बाद भी खुद को समझ लेंगे नहीं यार मेरा तो वोकैबुलरी अच्छा नहीं है. आप जो वोकैबुलरी का लेवल आपने जो बना के रखा है अपने दिमाग में कि इतना होना चाहिए उतना नहीं होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से मत देखिए. ये बहुत ही कम केसेस होते हैं जिनका लाइक हु एक्चुअली हैव अ वेरी स्ट्रांग फियर, हु हैव अ फोबिया ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. सो वैसे केसेस में यहाँ पे होता है. इवन इन दीज केसेस आई वुड सजेस्ट देम कि यार अगर टाइम कम है, मान लीजिए आपके पास 5-10 दिन 15 दिन ही बाकी है कार्ड के लिए, 20 दिन बाकी है, उसके बाद भी इसके ऊपर तो काम करते रहो, बट उसके बाद भी इन तीनों चीज इन तीन चीजों पे तो आपको फिर भी काम करना चाहिए. सी व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जाके अच्छे से देखे आओ, मॉक सही से काम करके आओ, सर बाद में नेक्स्ट टाइम अगर सही से हो गया तो हम लोग इसी बार जाएंगे वापस से, व्हाई डू यू वांट टू लाइक वेस्ट अ ईयर राइट. सो एंड इफ नॉट देन वी विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी हैव रियलिटी चेक हियर, रियलिटी चेक किया हुआ है राइट, एंड विल वर्क हार्ड एंड विल वर्क ऑन दीज फैक्टर्स राइट. सो दैट्स अबाउट इट गाइस. एंड सो टू एंड द डिस्कशन, see the answer to the question that how many days it might require you to get to that to cross the 99% benchmark or mark, not necessarily benchmark mark, is that it depends on you ki aapke kaun se factors aapke haath mein hai, kaun se factors pe aapko kaam karna hai okay. There is no generalized answer. If anyone claims, well they don't probably don't know what they are talking about. So theek hai, to is cheez ka dhyan rakhein. And in any case, अगर एग्जाम में कुछ दिन बाकी है तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, डोंट फॉल फॉर दैट व्हाट यू से वेरी अट्रैक्टिव आर्ग्यूमेंट कि यार इस बार तो ठीक है, चलो लेट हो गया, अगली बार से अच्छे से करूंगा. ये बस आपका सबकॉन्शियस आपको बना रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है. अभी अगली बार से करूंगा वो तब देखा जाएगा, पर पहले जो 10-15 दिन जो भी बचे हैं आपके पास, 12 दिन 10 दिन 15, आई डोंट नो व्हेन यू वॉच, व्हेन यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, बट उसके अंदर पूरी मेहनत कर दो राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये तीनों में से कौन से केस में भी आते हो या फिर चौथा पांचवा जिस भी केस में आप आते हो. Okay, so that's what I'll say, and
Hopefully I'll be putting up other videos related to this, and if you like the content, do like and subscribe. Thank you guys.